अली कुबरेश्वर महादेव मंदिर। हमने आज यहाँ पर सेवा भी करवाई है। 11 बजे से लेके 1 बजे तक लंगर चलेगा। हरियाणा से निकले 22 सितंबर को निकले थे। वहाँ की ट्रैफिक निकलने की जगह नहीं है, इधर इतनी भीड़ हो चुकी है। ये हमारा अंकित शर्मा भैया ढोलपुर से आते हैं, निःशुल्क सेवा प्रदान करता है हमारे को। सही कीजिए भाई की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा से निकले हैं बाईसाइकिल से, पूरा इंडिया ट्रेवल करेंगे। आपकी ये मुख्यमंत्री है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं चिराग शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक और नई मॉर्निंग के साथ। तो दोस्तों, हम फाइनली सीहोर पहुँच गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सीहोर की गलियों से गुजर रहे हैं। सीहोर से जहाँ पे कुबरेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ जा रहे हैं आप देख। सो दोस्तों, फाइनली कुबरेश्वर महादेव मंदिर पहुँच ही गए। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। दोस्तों, अभी सुबह ही हुई है, यहाँ पे ये लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हमने आज यहाँ पर सेवा भी करवाई है, दूध का और आलू छिलवाए हैं। यहाँ पे आज लंगर है, आज शरद पूर्णिमा है, तो वो उसके लिए, मतलब जो लंगर लगता है उसके लिए सेवा करवाई है और अभी करवाएंगे और भी। तो अभी ये जूते साइड में रखने आया हूँ मैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छी सुविधा नहीं थी मतलब रखने के लिए, तो वहाँ पे लोग पैर रख के जा रहे थे बार बार। मैं सोचा कि इधर ले आता हूँ, साफ सफाई से रख देते हैं और चप्पल पहन के चलते हैं वहाँ पे, तो और भी मज़ा आएगा। और गौशाला दिखाते हैं आपको, यहाँ की गौशाला और पूरा मंदिर, आपको पूरा मंदिर घुमाऊँगा। दोस्तों, मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश का मौसम हो गया है और ये यहाँ की गौशाला देखो आप, गौओं की सेवा होती है यहाँ पे। लाइन में लगे हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे 11 बजे से लेके 1 बजे तक लंगर चलेगा। तो ये देखो इतनी बड़ी लाइन है, नींद आ रही है? आपको नींद आ रही है? हमें आ रही है भाई, कवरी नहीं हो रही हमारी, हमारे बाल यहाँ से कैसे हो रहे हैं? नहाए भी नहीं है यार, नहाएंगे, खाना खा लेते हैं। और सूर्य भगवान की हर हर। दोस्तों देखो, ऐसे भोजन विस्तृत होता है इधर और ऐसे ऐसे आपको भोजन मिलेगा यहाँ पे लाइन में लग के। देखना कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, बहुत देर सारी जनता खड़ी है भाई।
क्या नाम है आपका? चिराग शर्मा नाम है मेरा। मेरा नाम पंकज है। हम दोनों हरियाणा हिसार से हैं। तो आदरणीय पंकज भाई और चिराग भाई, आपकी बहुत अच्छी जोड़ी है। ये कहाँ से चले हैं आप? हरियाणा हिसार से निकले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सीहोर में यहाँ पे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में आए थे हम। ये देख रहे हो आप भक्तों का क्रेज, भीड़ देखो भाई। ट्रैफिक निकलने की जगह नहीं है इधर, इतनी भीड़ हो चुकी है। सुबह सुबह यहाँ पे भैया और के पास चाय पीने आए थे हम। वहाँ पे जैसे कि आपको पता है हमें रूम मिला हुआ है, वहाँ पे रूम में रुके हुए थे। तो ये देख लो, देखना भाई, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, कोई सीधे साइड आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है। नमस्ते, राम राम जी। मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ये भैया और ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है यहाँ पे। ये सीहोर में जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जी, ये यहाँ पे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे ये सभी भैया स्टाफ है, ये बिल्कुल बढ़िया ये अध्यक्ष हैं। जो महोत्सव में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो यही सब है। तो आप सब यहाँ पे आए तो इन सब से मिल सकते हैं कि भाई जो रुद्राक्ष के लिए, और रुद्राक्ष की अपडेट ये है कि दिवाली के बाद ही, दिवाली के बाद ही रुद्राक्ष वितरण होगा। अभी आके कोई भी परेशान ना करे, मेरी वीडियो देख के आए तो भी ना करना। तो ये भैया अपने बारे में सब बताएंगे, तो बताओ भैया अपने बारे में सब। ये सब कुबेरेश्वर धाम है जी भैया। जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है, और गुरु जी ने कह रखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी है वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आ ही जाता है। तो रुद्राक्ष अभी वितरण नहीं हो रहा, रुद्राक्ष अभी जब गुरु जी खुद कथा में बोलेंगे जब वितरण होंगे। और ये भैया भी एक है, और अपनी कोई मनोकामना पूरी कर सकते हो। अब शादी ब्याह नहीं हो रहे, जैसे किसी को तकलीफ है, बीमारी वगैरह, सात पर कम्बल लगाइए, हमें वृक्ष की पर कम्बल लगाइए और एक कंकर लेके जाइए, जिससे आपकी सबकामना पूरी हुई। कुबेरेश्वर धाम की जय बोलिए। श्री शिवान शिवान ये हमारा अंकित शर्मा है भैया, ढोलपुर से आते हैं, निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं हमारे कुबेरेश्वर धाम। अरे राजस्थान। तो दोस्तों मैंने अभी मूंगफली खाई थी यार, वो थोड़ा अटक गया था। तो अभी चल रहे हैं, निकलते हैं अभी यहाँ से। अपना सफ़र अभी आज का तो मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर ही हो पाएगा, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही पसंद करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ज़रूर लिखना। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम मंदिर से निकल चुके हैं, तो आपको भाईचारे से मिलवाते हैं। हमारे MP का जो भाईचारा है MP में, यहाँ सीहोर में, ये क्या नाम का गाँव है भैया? चितौड़िया अहमा। यहाँ पे रुके हुए थे, जैसे कि आपको पता है कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ। तो ये भैया है हमारे, इनके यहाँ पे हमने रोज चाय पी है, इनका फुल फील बांधा है। तो बताओ भैया, ऐसी चाय हमें कहीं नहीं मिलेगी, हरियाणा वाली याद दिलाइए। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे बारे में? कुछ भी नहीं बोलना चाहते भाई, शर्मा रहे हैं मेरे को लग रहा है। तो शर्मा रहे हो? तो इन्होंने कहा है कि जब आप अपने पूरे परिवार के साथ आओ, जब मेरे घर पे ज़रूर आना। तो जब मैं अपने परिवार के साथ, फिर भैया और के घर पे चलेंगे, मिलेंगे इनके सारे परिवार से, और अपना और भाईचारा दिखाऊँ हरियाणा पंजाब के भाईचारे। ये देखो भाई, इनके साथ हमने खाना खाया रात को, इनके साथ गप्पे लड़ाए हैं, फुल मजाक मस्ती करी है। तो बस मेरे बोला नहीं जा रहा, मतलब मज़ा आ गया। अब यहाँ से ना, मतलब जहाँ पर भी हम 2 दिन रुक जाते हैं ना, तो ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि आगे बढ़ने का मन नहीं करता। पर जो हम लक्ष्य लेके चले कि पूरा भारत घूमना है, पूरा भारत करना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और ये भाई इनके थ्रू मिल पाए इन भैया से, वरना ये नहीं बुलाते तो ये नहीं आते। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर से हम लगभग 18 किलोमीटर आ चुके हैं, यहाँ से अस्टा रह गया है 18 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी तक बहुत सही मौसम था, बढ़िया मौसम चल रहा था, पर अब यूँ लग रहा है कि रात को फिर से बारिश हो सकती है। तो सफ़र में बने हुए हैं, एक स्पीड से चल रहे हैं, मतलब एक दो भाई बंधु मिले थे, उन्होंने चाय पिला दी, तो अब निकल चुके हैं यहाँ से। और ये देखो आप, कुछ ऐसा सा मौसम हो रखा है दोस्तों, मतलब दिन ढलने को है और बारिश का सा भी थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश हो सकती है। तो आपसे आगे मिलते हैं अस्टा पहुँच के, क्या मौसम की अपडेट रहेगी, क्या चल रहा है, आपको सब बताते हैं। और अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया A1 चल रहा है, मौसम साफ़ हो गया भाई, धूप निकल गई फिर से। और हम वहाँ से
7-8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और ये जो इंदौर हाईवे है, भोपाल देवास टू इंदौर हाईवे NH 28, बड़ा ही ज़बरदस्त बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो एक लाइन इस तरफ है और दूसरी लाइन उस तरफ है, मतलब बहुत ही तगड़ा हाईवे बना हुआ है। गाड़ी चलाने में या फिर साइकिल में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब बढ़िया है, लेवल्ड है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर नीचे ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेवल्ड हाईवे बना हुआ है बढ़िया तरीके से। तो चलते हैं, सफ़र में बन रहे हैं हम, तो हमारा सफ़र नाम ऐसे चलता रहेगा। आप दोस्तों, अभी अभी मुझे एक भैया मिले हैं यहाँ से MP सिंधवाड़ी से, वो राजस्थान रिंगस खाटू श्याम जा रहे हैं, कोई पैदल यात्रा, 32 दिन की मन्नत मांगी हुई है उन्होंने, 32 दिन में ये उनको यात्रा करनी है। 16 दिन हो चुके हैं उनको घर से निकले और 16 दिन और बाकी है। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से MP से भी हमारे राजस्थान में लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, वो भी पैदल यात्रा करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, हमें हमारे आसपास के लोग मिल रहे हैं। अब उनके साथ वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि उनको अच्छा नहीं लगता कि वीडियो में आए, उन्हें वीडियो बनाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई उनके साथ, बस उनसे कुछ जानकारियाँ कलेक्ट करी और वो आपसे शेयर करी। दोस्तों, सूर्यास्त हो चुका है और अस्टा यहाँ से 1 किलोमीटर है, ये रोड अस्टा शहर की तरफ जा रहा है और ये अस्टा बाईपास। अभी पंकज आ जाता है, वो थोड़ा पीछे मेरे से, उससे पूछते हैं कि बाईपास जाना है या फिर अंदर से। आ गया था मेरे पास तो पंकज कह रहे हैं कि बाहर से चलेंगे यार, बाहर से रास्ता सही है और अंदर कुछ ऐसा दिखाने लायक भी नहीं है कि जो एक्सप्लोर करें, अस्टा बाईपास ही ले रहे हैं। देखते हैं कि उज्जैन जल्दी से जल्दी पहुँचे, वहाँ से आपको महाकाल जी के दर्शन करें। दोस्तों, हम सीहोर से निकले थे, जैसे कि आपको पता है ये इंदौर एक्सप्रेस वे पे हैं, तो ये भैया और मिले हैं, ये गाड़ी से रुक के इन्होंने मुझे रोका है, मतलब गाड़ी रोक के इन्होंने साइड में लगाकर और फिर मुझसे बात करी है। और ये अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद कासिम, मैं इंदौर से हूँ। मैंने भाई को देखा और मैं रुक गया रास्ते में, और भाई की हौसला अफजाई की है, आप सब भी हौसला अफजाई कीजिए भाई की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा से निकले हैं बाईसाइकिल से, पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, आप इन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे भैया अशोक कुशवा जी भी यही बात बोलना चाहेंगे, भैया बताएं भाई को बहुत थैंक यू भैया, आप जैसे भाई मिलते हमारी यात्रा में आती दिखती है, थैंक यू सो मच, देखते रहिए ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों, ये व्यू चेक करो यार, ये पेड़ अड़ गया वरना बहुत ज़्यादा लाल हो रखा है। और यहाँ से सोनकच्छ 33 को हम अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं यार, आज का कोई पेट्रोल पंप बढ़िया सा मिल जाए, ये MP के जंगलों में घूम रहे हैं, देखते हैं कि कोई बढ़िया सा ठिकाना मिल जाए, टाइम रहते। दोस्तों, तो हमारा आज का स्टे यहाँ है, ये आज हमारा आशियाना है, टोडी नाम की कोई जगह है, ये टोडी यहाँ पे रुके हैं। और हमें सुनने में आया कि अभी यहाँ पे CM जो MP के CM है उनका काफिला आने वाला है, तो हम भी उसी की वेट कर रहे हैं, देखेंगे क्या कुछ होएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, CM आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लो जी पहुंच गए। ये मुख्य मंदिर फॉर्चुनर में, फॉर्चुनर आपने देखा CM का काफिला अभी यहाँ से निकला है, तो अपने अभी सोने का टाइम हो गया, अभी यही कुछ 1:30 बज गए हैं रात के, तो सोते हैं, आ जाओ अभी टेंट में अपना रैन बसेरा करेंगे। तो आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एवरीवन।